ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुजय्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीजा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।